इंडिया में रहने वाला कोई आदमी, कोई भी नागरिक, वो इंडिया शब्द से ऐसी नफरत कर सकता है जैसी नफरत आज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इस चीज को आने वाले 10-20 साल के बाद में जब लोग पढ़ेंगे तो लोग ताज्जुब करेंगे कि देखिए एक वक्त ऐसा आया था जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया था तो सत्ता पार्टी ऐसी बौखला गई थी और खुद सत्ता पार्टी के प्रधान नेता वो बौखला गए थे कि उन्होंने इंडिया शब्द को आतंकवाद से जोड़ दिया और फिर तो हद ही कर दी। जो आज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से, नरेंद्र मोदी के सांसद की तरफ से कह दिया गया है कि इंडिया शब्द को निकाल करके संविधान से फेंक दिया जाए, ये मोदी जी के सांसद ने कहा है। और कल मोदी ने क्विट इंडिया तक की बात कह दी, क्विट इंडिया भारत छोड़ो ये बात तक जो है वो नरेंद्र मोदी ने कह दी। देखिए क्या कुछ हो रहा है और इस चीज को, इस इन बातों को आने वाले 10-20-50 साल के बाद में जब बच्चे जो नए आएंगे वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या वो यकीन कर पाएंगे कि इंडिया शब्द से नफरत थी। क्योंकि ये तो थोड़ी देर का पानी का बुलबुला है, फिर खत्म हो जाना है, चुनाव है, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो चीजें हैं वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। संविधान से हटाया जाए इंडिया का नाम, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में मांग की है कि इंडिया नाम जो है वो हटाया जाए, ये मांग की है। इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, संविधान से हटा देना चाहिए, बीजेपी के सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा के अंदर ये कहा है। इन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये तो क्या, जब साहब इस बात को कह रहे हैं, ऊपर वाले साहब इनके, जब वो इस बात को कह रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान में थे, रैली में थे, और राजस्थान की रैली में वो कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। वैसे ही आज का नारा है भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो, इंडिया छोड़ने की बात करी जा रही है। और यही इंडिया के नाम पर, ये जो बात कह रहे ना भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण, इसी इंडिया के नाम पर, इसी भ्रष्टाचार के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे थे। ये वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। गजब की बात है साहब, जब अपने लिए हो तो इंडिया जो है वो सबसे परम परम जो है पवित्र शब्द हो जाता है इनके लिए। जब अपने लिए कोई बात हो उससे पवित्र शब्द कुछ नहीं इनके लिए, इंडिया से पवित्र। इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे प्रधानमंत्री यहां पर, और जब विपक्ष अगर इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर ले तो फिर कह देते थे कि इंडिया तो गुलामों का प्रतीक है, इंडिया भारत छोड़ो, इस तरह की बात। पहले तो मोदी जी को ही आप सुन लीजिए, फिर इनके सांसद ने आज जो राज्यसभा के अंदर कहा है वो वीडियो फिर मैं आपको सुनाता हूं। पहले मोदी जी को सुनिए आप, मोदी जी क्या कह रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। तो मोदी जी कल जिस इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज उस इंडिया को कह रहे हैं छोड़ो, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। गजब की बात है साहब, जब आप वोट मांगते हैं तो इंडिया शब्द आपके लिए परम पवित्र हो जाता है, और जब इंडिया की बात विपक्ष करे तो इंडिया शब्द जो है उसको तो क्या बना देते आप। सुनिए जरा एक बार ये क्या कह रहे हैं बीजेपी के सांसद, मोदी जी के जो सांसद है वो क्या कह रहे हैं सुनिए। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है, देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है, देश को मूल और प्रमाण प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए, अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज हटा कर भारत रखा जाए और भारत माता। ये कह रहे हैं साहब भारत के संविधान के अंदर इंडिया दैट इज भारत ये जो लिखा हुआ है, तो इंडिया को हटाओ और केवल भारत वहां पर रख। देखिए कितना साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है भाजपा के अंदर, मोदी जी के अंदर, और भाजपा के सांसदों के अंदर, मोदी जी के सांसदों के अंदर। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। इनके लिए अब इंडिया का मतलब हो गया विपक्ष,
कल तक इंडिया का मतलब था परम पवित्र शब्द हमारा देश, और आज इंडिया के लिए हो गया है विपक्ष। अब यह चीज तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, अब क्या बताऊं मैं आपको बार बार, आप किस किस से इंडिया निकालेंगे? इंडिया है तो इंडिया है साहब, किस किस से इंडिया निकालेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे, स्टार्टअप इंडिया, ये इन्हीं के दिए हुए नाम है साहब। ये कोई महात्मा गांधी ने नाम नहीं रखा था, या जवाहरलाल नेहरू ने रख करके नहीं गए थे। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सारे नाम किसके रखे हुए हैं? ये खैर भाई वे तो पहले से जो है चले हुए आ रहे हैं, इसमें तो मोदी जी की गलती नहीं, लेकिन इसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार नहीं है। देखिए एक बात को बिल्कुल क्लियर समझिए, ये कल जो है वो विधान ये संसद के अंदर जो है जो विपक्ष के सांसद उन्होंने काला कपड़ा पहन लिया, तो मोदी जी के सांसद जो है उनके जो है मंत्री साहब उन्होंने कहा कि ये काला कपड़ा पहन करके आए, काला धन वाले हैं ये। मतलब मोदी जी काला कपड़ा पहने तो काला धन नहीं है, विपक्ष काला कपड़ा पहने तो काला धन है, मोदी जी इंडिया का नाम ले तो राष्ट्रवाद है, और विपक्ष इंडिया का नाम ले तो फिर जो है राष्ट्रवादी नहीं है। भैया कितना बांटेंगे? देखिए आज जो है, आज कमाल की बात जो है वो आप देखेंगे, इंडिया वर्सेस भारत ये लड़ाई हो गई है, इंडिया वर्सेस भारत। अब बताइए अब ये जो है वो आज की इनकी वो नहीं है कि आज ये पहली बार इन्होंने जो है वो बांटा है, पहले से सब कुछ बटा हुआ है। हरा रंग मतलब मुसलमान, लाल रंग मतलब हिंदू, रंग में भी बटा हुआ है ना साहब, लाल रंग जो है वो हिंदू है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो और कितनी सारी चीज देख लीजिए आप, उसके बाद में जो है वो कांग्रेस मतलब मुसलमान है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बीजेपी मतलब हिंदू है, बीजेपी जो है वो हिंदू है, यही सेम हिंदू, ये सब कुछ जो है पहले से बांटा हुआ है, सब्जियों में भी बांट रखा है इन लोगों ने ऐसे ही, तो क्या करेंगे आप, कहां तक बांटेंगे? अब जो है वो इंडिया और भारत को भी बांट देंगे कि इंडिया जो है कांग्रेस है, भारत बीजेपी है, ये कहां तक जाएंगे आप, कहां तक रुकेंगे आप, कहां पर जाकर के रुकेंगे? आप काला कपड़ा पहने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या मोदी जी ने काले कपड़े नहीं पहने? मैं कितनी फोटो दिखाऊं आपको, कहीं पर डुबकी लगा रहे, कहीं पर कुछ कर रहे, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, बताइए आप। तो ये कमाल की बात है इनकी। और दूसरी बात ये है कि ये तो संस्थाएं हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ना जाने भारत में क्या क्या इंडिया है, क्योंकि तो भारत और इंडिया अलग अलग है ही नहीं साहब। अब कोई ये करे कि एक हमने जो है वो इसमें से जो है वो पानी में से जो है वो H2O निकाल दो बाहर, ये पानी जो है माफ कीजिए पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, पानी पानी अलग रहने दो, ऐसा मुमकिन है क्या? पानी बना ही जो है वो उसका पूरा फॉर्मूला ही जो है H2O है, पानी बनता ही तभी है। अब पानी में से जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं तो पानी रह जाएगा, उसको पी लेंगे आप? ये कमाल की बात है, आप कैसी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज आप और देखिए, अब जो है वो कांग्रेस की इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको दिखाता हूं। नेता डिसूजा कह रही है इनके इस बयान पर, मोदी जी के सांसद के बयान पर, कह रही है कि इस मांग को देख करके मेरा और मेरे जैसे हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है, आपके सांसद की यह कैसी डिमांड है मोदी जी, राजनीति के लिए इस स्तर तक गिर गए हैं यह लोग कि उन्हें इंडिया से ही नफरत हो गई है, अभी तक तो इन्हें सिर्फ शहरों और प्रदेशों के नाम से आपत्ति थी, अब तो इन्हें देश के नाम से भी दिक्कत है, यह कुछ और नहीं बस बल्कि आगामी हार की बौखलाहट है। देखिए मैं लिख करके दे रहा हूं, इंडिया नाम को ये नहीं मिटा पाएंगे, इंडिया नाम को ये नहीं निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो चुनाव जब पीक पर जाएगा तो फिर जो है सारे अपने ट्विटर हैंडल में से इंडिया हटा करके भारत कर लेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं, बीजेपी फॉर भारत कर लेंगे और कुछ कर लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन आप इंडिया निकालेंगे कितने से, 4 महीने 6 महीने जो है वो चुनाव में बचे हैं, फिर उसके बाद में तो आचार संहिता सब कुछ लग ही जाएगा, तो आप जो है वो इन 6 महीनों में आपको लगता है कि आप भारत में से जो है वो पूरा ये देश में से इंडिया में से जो है इंडिया शब्द को खत्म कर देंगे, डिलीट करवा देंगे? कितनी किताबों से इंडिया डिलीट करवाएंगे, कितने संस्थाओं के नाम से इंडिया डिलीट करवाएंगे, कहां कहां से इंडिया को डिलीट करवाएंगे आप? और फिर केवल बात इंडिया की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ही लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
कहीं पर भी हमारा जो प्रतिनिधि जाता है यूएन के अंदर और कहीं पर भी हमारा जो प्रतिनिधि जाता है वो इसी नाम के साथ में बैठता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो कहां कहां से मिटाएंगे साहब। लेकिन खैर, अब दूसरी चीज जो है वो कल राहुल गांधी ने कही कि विपक्ष गठबंधन ने एक नाम चुना इंडिया, यह नाम सुनते ही नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी ने घमंड में यह भी नहीं सोचा कि वो इंडिया जैसे पवित्र शब्द को गाली दे रहे हैं। अब एक बात और जरा सोचिए, गहराई से सोचिए इस बात को, कोई हवा में नहीं कह रहा हूं मैं। मान लीजिए कि इन्होंने जो विपक्ष ने जो अपना नाम रखा है, विपक्ष ने जो अपना नाम रखा है यहां पर इंडिया, इंडिया जो नाम रखा है वो अपने गठबंधन का इंडिया रख करके, इंडिया ना रख करके अगर ये नाम अपना इन्होंने भारत रखा होता, ये नाम रखा होता भारत, तो फिर ये क्या करते। चलो आज तो आप इंडिया शब्द को जो है वो कह रहे हो कि भाई हम लोग जो है वो इंडिया का नाम जो है वो अंग्रेजों का प्रतीक है, इंडिया से वो है, इंडिया से ये है। और कल को अगर विपक्ष जो है, अगर आज भी, अगर नहीं रखा तब भी मैं बता रहा हूं, अगर आज भी विपक्ष एक रेजुलेशन पास कर दे कि हमने अपने गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा था उससे बीजेपी को बहुत दिक्कत हो रही है, हम इंडिया शब्द को जो है वो भारत कर रहे हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो, तो क्या इनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी साहब। और मैं तो कहता हूं एक बार विपक्ष के गठबंधनों को, तमाम लोगों को मिल करके एक जो है वो लेटर जारी कर देना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है तो आप बताइए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप इंडिया को गाली मत दीजिए, अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है तो आप, हम इंडिया से आपको जो गाली, आप जो इंडिया को लगातार गाली दे रहे हैं उससे हम लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो रही है और हम कम से कम जो है, क्योंकि हम मना करेंगे तो आप मानेंगे नहीं, इसीलिए हम इंडिया का आदर करते हुए उसका नाम हटा करके हम भारत रख रहे हैं। बताइए बीजेपी कह देगी कि हाँ भारत रख लो? उसको दरअसल दिक्कत इस बात से है कि आपने इंडिया नाम रख क्यों लिया, आपने भारत नाम रख क्यों लिया, आप जो है कुछ और नाम रखते, उसकी फुल फॉर्म हम बना लेते, उसको तरह तरह से गाली देते, उसको तरह तरह से जो है उसकी परिभाषा बनाते। अब इंडिया को जो है तरह तरह से बनाया जा रहा है, तो अगर कुछ और नाम रखा होता तो सोचे उसका तो क्या ही करते। जब इंडिया शब्द को भी जो है, इंडिया शब्द जो हर किसी के यहां पर बिल्कुल, यहां पर हर किसी के दिमाग में, दिल में, जहन में, हर कहीं पर बसा हुआ है, उस शब्द को भी ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो बाकी का अगर और कुछ नाम होता तो उसको तो फिर क्या ही कहते। ये अलका लांबा ने एक और ट्वीट किया, इसको भी जरा देखिए। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो एक बात कही थी, राहुल गांधी ने जो कहा था कि ये चोरों के नाम में मोदी क्यों है, और उन्होंने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में जो है उसका मतलब निकाला गया कि राहुल गांधी ने जो है वो मोदी का अपमान कर दिया है। उसके बाद उनको मुकदमा हुआ, उनके ऊपर जेल, उनको जेल भेजने की तैयारी है, जेल हो गई है और सदस्यता चली गई है। अब मोदी कह रहे हैं कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम में इंडिया है, PFI के नाम में इंडिया है, तो इलेक्शन कमीशन के नाम में भी इंडिया है। PM नरेंद्र मोदी इंडिया का अपमान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया के 140 करोड़ लोगों के मान को ठेस पहुंचाई है। किसी को अदालत में अवमानना का मामला नहीं बनता है क्या? इंडिया नरेंद्र मोदी इंडिया विरोधी, भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा। अब कांग्रेस कह रही है कि जिस लिहाज से और जिस तर्क के लिहाज से जो है इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चोर क्यों है, ये सरनेम, इनके सारे के सरनेम जो है वो एक क्यों है, ये पूछा था राहुल गांधी ने कि ये जो चोर है नरेंद्र, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके सरनेम जो है वो एक ही क्यों है, ये सवाल किया था। अब उसी हिसाब से अगर देखें, उसी तर्क से अगर आप देखेंगे तो फिर तो भैया बात खत्म हो जाएगी, फिर तो नरेंद्र मोदी को जो है वो इंडिया विरोधी या इंडिया के लोगों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला करार दे दिया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? आगे देखिए, आप जीतू पटवारी हैं और ये जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस से रहे और वहां पर मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, और इन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया है। इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन शब्द में भी इंडिया आता है, मोदी जी को जो, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो इन्होंने लिखा है। अब यहां पर इन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया कि आज के दौर में जो इंडिया बना है उस इंडिया में 26 पार्टियां हैं, 143 उनके लोकसभा के सांसद है, 98 राज्यसभा के सांसद, MLA 1934 है, MLC 120 है, 11 राज्यों में सरकार है, लोकसभा के अंदर उनका 45% वोट है, और क्या इंडिया शब्द को पसंद करने वाले यह जनसमूह देशद्रोही है या गद्दार है? मतलब जिस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है उस गठबंधन का इतना सब कुछ जो है वो देश के अंदर भागीदारी है और वो इतने लोगों के आकर के वो गठबंधन बना है, इतने लोगों के जनप्रतिनिधि जो है उस गठबंधन के अंदर है,
तो वो गठबंधन देशद्रोही है या फिर जो है वो आतंकवादी है। आगे ये कह रहे हैं कि एक दूसरा गठबंधन है एनडीए, और इस गठबंधन में 38 पार्टियां हैं, लोकसभा में 322 है, राज्यसभा में 111 है, एमएलए 1745 है, गवर्नमेंट जो है वो 16 राज्यों में चल रही है, लोकसभा में 30% वोट है, और 38 में से कई दल ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन जीरो है। इन्होंने कई प्रदेशों में लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई है, क्या इसे राष्ट्रभक्त कह सकते हैं, राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं? ये सवाल पूछा है। जो इस राजनीतिक दल राजनीतिक अराजकता पर राजनीतिक अराजकता एयर तानाशाही का विरोध करता है उसे लोकतंत्र के मंदिर से दूर कर दिया जैसे राहुल गांधी को। देशवासियों जागो और इस खेल को समझो। तो अब देखिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो उसके अपने अपने जो है वो आरोप प्रत्यारोप हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो अपने अपनी तरफ से जो है इस पर अपने अपने तर्क दे रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि अगर इंडिया शब्द जो है वो कोई विपक्ष अपना गठबंधन का नाम रख लेता है तो उससे इतनी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं आपकी गहराई समझ के लिए कि किसी ने अपना शब्द में इंडिया नाम रखा है ये पहली बार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जो आज इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे, और आज नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इस इंडिया को वो जो है वो भाइयों बहनों मैं बोलता वो कह रहे हैं कि इसको इंडिया को जो है छोड़ो अब, तो ये दरअसल जो है वो दिक्कत इंडिया शब्द से नहीं है। दिक्कत जो है वो ये है कि ये इंडिया जो गठबंधन बना है ये कहीं पूरा का पूरा जो हमने एक जो पिछले 8-9 साल से लोगों के दिमाग में जो नैरेटिव तैयार किया, धारणा तैयार की है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, और ये लोग जो है कांग्रेस के लोग गद्दार हैं, ये है वो है, तो इस तरह की धारणा आईटी सेल के जरिए बनी है। वो आईटी सेल के जरिए बनी धारणा वो 4-5-6 महीने में अगर हवा में उड़ गई तो फिर क्या होगा कि लोग अगर इस पर आ गए कि ये भी देशभक्त लोग हैं, तुम भी देशभक्त लोग हो, अगर इस बात पर आ गए तो फिर तो हमारे पास में कुछ बचेगा नहीं दिखाने बताने के लिए, तो फिर क्या करेंगे। और इसीलिए लोग जो है वो जाग ना पाए, सोच ना पाए, इसीलिए प्रधानमंत्री पद जो है उसकी गरिमा उसको भी जो है वो ताक पर रख दिया गया। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं कि प्रधानमंत्री आज खुद कह रहे हैं, और जो वही खुद जब वोट मांग रहे थे तो भाई और बहनों कह कर करके इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो दोनों चीज आपके सामने है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि वास्तविक में सच्चाई है क्या, क्या वाकई जो है वो इंडिया देश विरोधी लोग हैं, इंडिया शब्द जो है वो देश विरोधी शब्द है, फिर इतने दिनों तक आपने रखा क्यों? आपको तो पहला काम यही कर देना चाहिए था, क्योंकि अपने मस्तिष्क पर अपने माथे के ऊपर जो है वो आप इंडिया लिखवा करके घूमते रहे। हम हर कोई अपना माथे पर इंडिया लिखवा हुआ है हमारे, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि हम इंडियन है, हम अपनी पहचान यही बताएंगे कि हम इंडियन है, हम इस देश की जैसी सीमाएं लांघेंगे तो मैं अपना नाम बताने से पहले यही बताऊंगा कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं अपना नाम बाद में बताऊंगा। तो ये बात आप अपनी पहचान को जो है जो देश की पहचान है अगर उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं तो फिर किसी का कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी जो है वो राष्ट्रवादी, देशद्रोही और जो है वो देश प्रेमी, गद्दार, आतंकी, ये सब अपनी सहूलियत के लिए फिर किसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब अब उस पद के लिए आपका नहीं है तो फिर बाकी के लिए क्या ही उम्मीद करें, हम और आप जैसे लोग जो है फिर क्या उम्मीद करेंगे। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।